नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। चेम्सफोर्ड, इनका टेन्योर था साल 1916 से 1921 तक। इनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जैसे लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, रोलेट एक्ट, ये सब हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम समझेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, जो कि चेम्सफोर्ड के टेन्योर के दौरान ही हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा खिलाफत मूवमेंट। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जहां एक तरफ थी एलाइड पावर्स जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली थे, तो दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर थे। 1918 में सेंट्रल पावर्स की हार के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और इसके बाद शुरू होता है ट्रीटीज का सिलसिला। जैसे आपने सुना होगा कि जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई थी, वैसी ही ट्रीटी साइन हुई थी ऑटोमन एम्पायर के साथ भी, और जिसमें ऑटोमन एम्पायर की बहुत सी टेरिटरीज एलाइड पावर्स में शेयर हो गई और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान सिर्फ टर्की के सुल्तान रह गए। अब देखो, जो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे उनको खलीफ कहा जाता था, जिसको पूरे दुनिया के मुस्लिम्स अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स मानते थे। अब जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ब्रेक हुआ, पूरे दुनिया के मुस्लिम्स इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया में देखने को मिला। मोहम्मद अली और शौकत अली ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इस्टेब्लिश करी इन द ईयर 1919। अब कमेंट में ये बताना कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, और इसी के बाद से शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब इसी खिलाफत मूवमेंट के दौरान गांधी जी को एक आइडिया आता है। उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम्स पहली बार फुल यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं। अगर इसी मूवमेंट में हिंदूज भी शामिल हो जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के आगे ब्रिटिशर्स कहां ही टिक पाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लोगों को एक तो पहले ही गुस्सा था रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर का, तो इसी वजह से एक बड़ी जनता जुड़ती चली गई गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। और गांधी जी ने लोगों से ये प्रॉमिस भी किया कि एक साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी अगर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक हो गए तो। बस 1 अगस्त 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या था? सिंपल आंसर है, ब्रिटिश की हर चीज को बॉयकॉट करना था, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हों, फॉरेन क्लॉथ्स हों, फॉरेन बुक्स हों, हर एक चीज जो ब्रिटिश से एसोसिएटेड है उसको बॉयकॉट करना है। जितने भी अवार्ड्स मिले हैं इंडियंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी वापस करना है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे हामी भर दी, और कांग्रेस का गोल टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट वो भी चेंज हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना चाह रही थी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस की आइडियोलॉजी में चेंज दिखा। अब वो सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना चाह रही है थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस ऑफ पास स्ट्रगल। अब जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत से बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स को बायकॉट कर दिया। इसमें तो बच्चे वैसे भी आगे ही रहते हैं, पर सब बच्चों की पढ़ाई चलती रहे इस वजह से बहुत से नेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स ओपन हुए इस दौरान, ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। फिर बहुत से बड़े बड़े लॉयर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस को बायकॉट कर दिया। और देखते ही देखते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी इंडिया में बढ़ने लगा और अपने पूरे पीक पे था। लेकिन फिर 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, जहां क्राउड और पुलिस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है और बाद में वही क्राउड पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने यह कहा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अहिंसा के रास्ते से ही हमें आज़ादी मिलेगी और आप लोग हिंसा की राह पे जा रहे हो। जिसके बाद अचानक से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, और ये खबर आम पब्लिक के लिए एक शॉक की तरह आई, क्योंकि लोगों का मानना था कि एक इंसिडेंट की वजह से मूवमेंट को वापस नहीं लेना चाहिए था। इवन कांग्रेस के बहुत से लीडर्स को भी ये बात समझ नहीं आई कि क्यों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, और वो भी तब जब ये मूवमेंट अपनी पीक पे था। इसी वजह से काफी कांग्रेस के लीडर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की, और इसी के साथ चेम्सफोर्ड के टेन्योर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी खत्म होते हैं। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।